बॉन्डिंग क्या होती है? जैसे कि हम देख रहे हैं, मतलब नॉर्मली देख रहे हैं, बॉन्डिंग क्या होती है? बॉन्डिंग इज लाइक फ्रेंडशिप। जैसे हमारी किसी से बनती है तो क्या बोलते हैं कि हमारी इससे बॉन्डिंग अच्छी, किसी से हमारी नहीं बनती है तो क्या होता है? हमारे नेचर पे डिपेंड करता है। क्या होता है? नेचर पे डिपेंड करता है कि बॉन्डिंग क्या होती है। अगर हम बोल रहे हैं हम चार लोग चार फ्रेंड्स हैं, लेकिन किसी दो की बहुत अच्छी बनती है, किसी दो की बहुत अच्छी नहीं बनती, किसी दो की तो क्यों लड़ाई रहती है, तो क्या होता है? उनके बीच में क्यों नहीं बनती है? बिकॉज़ ऑफ नेचर। तो मेन क्या होता है? बॉन्डिंग क्या होती है? हमारे नेचर पे डिपेंड करती है कि बॉन्डिंग होनी है या नहीं होनी है। अगर वो बन रही है ठीक है, हम बैठे हुए हैं, देन बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, तो फैमिली बॉन्डिंग क्या होती है? बॉन्डिंग की वजह से हम यहां पढ़ रहे हैं बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इसके टाइप भी पढ़ लेंगे कि ये क्यों होती है, फैमिली बॉन्डिंग क्यों होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, फिर हम उन टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उनमें जो एनर्जी का साइन है वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या ए है बी है। ठीक है,
रिपल्शन कैसे होता है इसके आपको मैं बताती हूँ जो आप मानते हैं बता ये आए क्या है ये हमारा अपना है ठीक है तो अब भी ये देखो न्यूक्लियस तो दोनों का होता है कैटायन के भी होता है एनायन के भी होता है ये हमारा कैटायन है ये हमारा रेड वन इज कैटायन एंड ब्लैक वन इज एनायन तो इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें भी बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारा क्या है कैटायन है इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे आई आप ठीक है तो ये हमारा इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स और ये इसका न्यूक्लियस इसके बीच में क्या हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा लेकिन इसके इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा रिपल्शन होगा क्योंकि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स तो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं ना तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन तो होगा ही लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स का इस न्यूक्लियस के अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये तब तक काम करता है जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों इक्वल नहीं हो जाते एक ऑप्टिमम सिचुएशन नहीं आ जाते क्योंकि जब एक ज्यादा होगा कंपाउंड स्टेबल नहीं रहेगा ना कंपाउंड फॉर्म होगा ठीक है तो ये एक डिस्टेंस पर आ रहे हैं एक डिस्टेंस पर आ रहे हैं जहां तक क्या होता है कि हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं स्टेबल हो जाते हैं उस हम लेंथ को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ क्या होता है कैटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस कैटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ फिर से समझ लो क्या बॉन्ड लेंथ जो हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ठीक है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं ठीक है जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारा क्या होता है स्टेबिलिटी गेन कर लेता है ये इससे अगर ज्यादा लेकर आएंगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगा इससे कम लेकर आएंगे तब भी स्टेबल नहीं रहेगा तो उस लेंथ को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ अब इसमें ग्राफ को देखते हैं ये कैसे क्या होता है एक्सप्लेन करते हैं कैसे डिफाइन करते हैं अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एनायन्स और बॉन्ड लेंथ तो एक्सप्लेन करते हैं
पहले ऑर्डरिंग तो हमने देख ली है, अब पढ़ते हैं आई ऑर्डरिंग। आई ऑर्डरिंग क्या होता है? ठीक है, पोटेंशियल
नहीं होता है इधर नहीं होता पहले से तो इंसोल्युबल स्टेट ऑफ सॉलिड ठीक है सॉलिड स्टेट में हमारा एनर्जी ज्यादा स्टेट होता है गैसीय स्टेट में एन प्लस और एन माइनस माइनस हमारे इतने स्टेबल नहीं होता ठीक है तो ये तो था हमारा आयनिक बॉन्ड अब हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड में हमारे कौन कौन से एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं ग्रुप 13 में हमारा एल्यूमिनियम आता है तो इसका 13 होता है 2
क्वेश्चंस देख लीजिए, कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ना, वी विल डिस्कस।